100 करोड़ रुपए की सैलरी दुनिया भर में नाम, एक झटके में चली गई जॉब, फिर नौकरी ढूंढी नहीं बना रहा नई कंपनी। जी हाँ, IIT से पढ़े लिखे इस युवा ने 100 करोड़ की सैलरी वाली नौकरी गंवाने के बाद भी हार नहीं मानी। अब वो युवा आदमी एक नए स्टार्टअप पर काम कर रहा है। भारत में IIT से पढ़ाई के बाद हर लड़के का करियर सेट हो जाता है। अच्छी कंपनी, मोटी सैलरी, देश या विदेश में नौकरी और क्या चाहिए। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि IIT जैसे संस्थानों से निकले कई युवाओं ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का रिस्क लिया और बड़ी कामयाबी पाई। इनमें फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, भाविस अग्रवाल समेत कई नाम शामिल है जिन्होंने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़ा मुकाम हासिल किया। इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे युवा उद्यमी की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी भी कुछ बस ऐसे ही है, बस थोड़ी अलग है। इस युवा ने जॉब छोड़ी नहीं बल्कि इससे इस्तीफा मांग लिया गया। 100 करोड़ की सैलरी वाली नौकरी गंवाने के बाद इस युवा ने हार नहीं मानी। अब यह युवा उद्यमी एक नए स्टार्टअप पर काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल की, जिन्होंने 2022 में ट्विटर के CEO के पोस्ट से इस्तीफा दिया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एक नए स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि पराग अग्रवाल ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जुटा ली है। गंवानी पड़ी 100 करोड़ की नौकरी। साल 2022 में दुनिया के दिग्गज अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण, जो कि अब एक्स नाम से है, किया। इसके बाद हजारों कर्मचारियों को कास्ट कटिंग के नाम पर नौकरी से निकाल दिया। इसमें टॉप मैनेजमेंट के लोग भी शामिल रहे। उस वक्त पराग अग्रवाल CEO की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एलन मस्क ने इस कदम को काफ़ी आलोचना हुई। छटनी के बाद एलन मस्क ने पराग अग्रवाल समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मोटा हर्जाना देने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। इसमें पराग अग्रवाल को सेवरेज पैकेज के तौर पर $6 करोड़ मिलने थे। अब पराग अग्रवाल को समेत चारों अधिकारियों ने एलन मस्क के खिलाफ $12.8 करोड़ की विच्छेदन वेदन सेवरेंसी सैलरी न देने के आरोप लगाए हैं। इन सभी लोगों ने कोर्ट में एलन मस्क को चुनौती दी है। नए AI स्टार्टअप की तैयारी में पराग अग्रवाल। आमतौर पर बड़ी सैलरी पैकेज वाली नौकरी गंवाने के बाद लोग नई जॉब के लिए भटकते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पराग अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया बल्कि नए स्टार्टअप पर काम करना शुरू किया। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पराग अग्रवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने करीब 250 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटा ली है। मूल रूप से अजमेर के रहने वाले पराग अग्रवाल के पिता भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और उनकी माँ एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। पराग अग्रवाल ने IIT एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 2005 में IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद अग्रवाल ने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। शुरुआती दिनों में पराग अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू में इंटर्नशिप की और उनके करियर में अहम मोड़ तब आया जब लगभग 6 वर्षों तक ट्विटर पर काम करने के बाद उन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। धन्यवाद।